सभी बस ऑपरेटरों ने अपने स्टाफ के साथ बस स्टैंड पर लोगों से भीख मांगकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बस ऑपरेटरों का कहना है कि 22 मार्च के लॉकडाउन के कारण हमारी बसें सेवाएं बंद पड़ी हैं, जिससे कि हमारे घरों में और हमारे स्टाफ के घरों में खाने के लाले पड़ रहे हैं। हम बस सेवा चालू करते हैं तो सरकार की शर्तों से हमें और नुकसान में आ जाएंगे। इसीलिए हमारी यह मांग है कि बस स्टाफ को कोरोना योद्धा मानकर उसे 50 लाख बीमा एवं लॉकडाउन में हुए नुकसान की स्थिति को देखते हुए 5,000 माह की दर से भत्ता देना चाहिए। बस ऑपरेटरों को टैक्स, बीमा एवं गाड़ी की किश्त में भी राहत मिलनी चाहिए। और अगर सरकार ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। न्यूज लाइफ एमपी के लिए कुरवई से अमित जैन की रिपोर्ट। तारीख से 22 मार्च 2020 से ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन हुआ, जिससे हमारी बसें बंद हो गईं। उसके बाद सरकार से हम लोग निरंतर ज्ञापन के माध्यम से मांग करते चले आ रहे हैं कि हमारी बसों का जो बंद रही हैं आपके निर्देश अनुसार, उसका हमें 6 माह का टैक्स माफ़ किया जाए और बीमा जो राशि है उनको आगे बढ़ाया जाए बीमे की अवधि। तीसरा, हमारी जो ईएमआई है फाइनेंस गाड़ियों की, उसको ब्याज माफ़ किया जाए, जो कि हम लोगों के ऊपर अगर बसें चलने के कारण अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। स्टाफ का कोरोना योद्धा घोषित किया जाए और 50 लाख रुपए का बीमा किया जाए। स्टाफ को